Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu and you are watching Sanu Nonstop. The guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडिया का जो है वो बजट न्यू आ चुका है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान परेशान है, स्पेशली पाकिस्तान. और इसके ऊपर पाकिस्तान का रिएक्शन लेकर आई हूँ मैं कि इंडिया ने जो है वो 200 करोड़ जो है वो तालिबान को और दूसरी जो है वो नेशन को जो है वो, अच्छा मैं जो हूँ ना वो पूरा पहले टाइटल पढ़ देती हूँ फिर बाद में बात करते हैं. इंडिया गिव 200 करोड़ टू तालिबान एंड अदर नेशंस इन 2024 बजट. अब इसको देख कर पाकिस्तान ने हैरान कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें थी पैसे की, और हमने आपके साथ हाथ भी मिलाया था कि भाई आप ट्रेड वापस से रीओपन कर लो, लेकिन हमें तो मतलब कुछ भी नहीं मिला. और उसके बाद हमारा पड़ोसी जो कंट्री है तालिबान अफगानिस्तान, उसके साथ आजकल इंडिया के तल्लुकात बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को ये देख के फिर जलन तो होती है ना कि यार हमें 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 क्यों नहीं जो है वो पूछा जा रहा, जबकि हम ज्यादा करीब है ना, बॉर्डर ज्यादा करीब है. जली ना तेरी भी जली हमारा, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा. और गाइस दूसरी चीज़ ये, सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ा हुआ, तब से तुम लोगों ने ना वहाँ पे गए हो, ना वहाँ पे सब्सक्राइब किया, ना लाइक किया, ये तो फिर कोई बात ना हुई, बहुत बुरी बात है. वहाँ पे फटाफट से जाओ सब्सक्राइब लाइक वहाँ पे करके आओ. तो चलिए गाइस बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है. भारत ने बजट घोषणा में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. भारत ने ये बता दिया और साफ कर दिया कि वो वहाँ के लोगों के लिए हर तरह से खड़ा है. हाँ, भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को जरूर झटका लग सकता है, कारण लग चुका पाकिस्तान और तालिबान के बीच का विवाद. इंडिया अनाउंस Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget. Taliban के spokesperson, interim government जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा welcome किया. उन्होंने कहा है कि जो both countries हैं उनके बीच ties जो हैं वो उससे बड़े strong होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे. कि इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर. आपको पता है मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज्यादा लग रहा है. इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है. अच्छा. असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा पाकिस्तान के दुश्मनों को, दोस्त बना रहा है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है. और क्या है, चंद रोड बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है. तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एक तो एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, और मैं कह रहा था कि किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट कैसे बनाना हो ये तो आपको इंडियन से समझना पड़ेगा. हम आपके साथ मिलके आपकी आपका सहारा बनेंगे, मतलब दिस इज हाउ दे आर टेकिंग द, आप देखिए उन्होंने इवेंट को कैसे इंटरनेशनलाइज कर दिया. मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखते हैं. अब मुल्क की कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो इंडिया का अफगानिस्तान से हो या ईरान से हो, जहाँ उनका मुफाद हो वो अपने ताल्लुकात बनाते हैं. जय हिंद दोस्तों. आपको तो पता ही है आज हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमन जी ने बजट जो है पेश किया. उस बजट में देश के बारे में तो तमाम चीजें थी, सस्ती महंगी इस चीज को डेवलपमेंट में इतना उसमें इतना, लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों का भी अच्छा खासा ख्याल रखा गया, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, मतलब जितने भी ग्लोबल साउथ के देश हैं सबको भारत ने एक अच्छे खासे अमाउंट में नीडफुल मनी एड के रूप में दिया. ये लोन नहीं दे रहे हम, ये दे रहे हैं एड के रूप में कि ये लो भाई, ये भारत की तरफ से दान है, ये लो इन देशों को. कितना बड़ा भारत ने दिल दिखाया, और आज नहीं सिर्फ कई सालों से भारत इन सबको दे रहा है पैसे विद नो इंटरेस्ट. आप देखिए मालदीव भारत को क्या गाली देता है, बांग्लादेश के लोग भारत को गाली देते रहते हैं, ठीक है, हालांकि कई लोग हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. श्रीलंका में अधिकतर लोग भारत को सपोर्ट करते हैं, कई लोग भारत के एंटी भी हैं, हालांकि हर देश में है, लेकिन भारत बिना किसी फायदा नफा नुकसान के सबकी सहायता करता है. 200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दे दी. अभी जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें भी एक अच्छा खासा 200 करोड़ रुपए, और इस बार भी 200 करोड़. पाकिस्तानियों की जल के राख हुई पड़ी. बिल्कुल राख की बात यह है कि इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर. आपको पता है, ठीक है जी, नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफगानिस्तान मालदीव के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है ना जी, बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़,
मतलब ये बजट इंडिया का काम और खित्ते का ज्यादा लग रहा है। ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं मॉरिशियस के लिए 370 करोड़, यानी कि इंडियन जो बजट है वो आप देखें कितने बड़े पैमाने, चाबहार पोर्ट के लिए ठीक है जी 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट जो एलोकेट कर रहे हैं, हाँ 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं, तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। सुना है इस दफा बांग्लादेश के लिए पैसे कम किए, पिछले साल 200 करोड़ थे, इस साल 120 करोड़ के करीब कर दिए। सो ये आप चीजें देखें, ये चीजें जो है ना वो कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज्यादा बढ़ा लिए हुए हैं। ठीक है, अब भूटान जो है वो तो हाँ जितना पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज सॉर्ट ऑफ अ वैसल स्टेट, कैन पाकिस्तान आस्क भूटान के साथ का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ अ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम। जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं, 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो 1-10 रुपये नहीं नेपाल भेज रहे हो ना, श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो आप देखें ना, वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया है, जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान नेपाल मालदीव अफगानिस्तान बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। सो दिस इज बजट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन पीपल, बट दिस इज अ बजट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज हम स्मॉल एंड किसी पुअर को क्या कंट्रीज इन द देंगे, हम रीजन। तो खुद इंडिया मांगते हैं। अनाउंस $200 करोड़ $25 मिलियन डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान इन बजट 20। उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया, उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज हैं उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है वो उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक तो एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, यू नो। सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया सेइंग कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, एंड दीज आर बेनिफिशियल फॉर फॉर अफगान्स, एंड इट विल आल्सो इंक्रीज इंडियाज गुडविल। दे आर कंटिन्यूइंग टू बिल्ड गुडविल इन अफगानिस्तान। ये ऐसे हथियार या TTP या इनको उनको नहीं दे रहे हैं, या इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है, मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, अफ्रीकन, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। जो जो मेरे जहन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ये था कि पाकिस्तान जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में ये एक सोच थी कि बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल होंगे, और उस वक्त जो इंडिया जो है वो वहां से चला गया था क्योंकि वो तालिबान को जाहिर है कि हम जानते हैं उससे पहले जो माजी है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त जो है खास तौर पर इस बजट आने के बाद तो ऐसा महसूस होता है, काफी दिनों से ऐसे ही कहा जा रहा है कि इंडिया वहां से ज्यादा करीब है और वहां पे डेवलपमेंट के लिए काम काम भी हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर वहां से हमले हो रहे हैं। हम कौन सा तो दूर क्या है? ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका, और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के फेलियर। ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है पाकिस्तान। देखिए, मे बी वी आर रीडिंग टू मच इन टू इट। सो जब आप नया बजट बताते ना, आई डोंट नो वेदर आपके पास कोई बजट है, मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स के बजट बनाता हूँ जो मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट्स। सो सबसे आसान तरीका बजट बनाने का है कि पिछले साल का बजट को देखें सारे लाइन आइटम को, फिर टोटल देखें आपके पास कितना है, एंड देन यू टिंकर विद द आइटम्स।
और अगर सीरियस डिस्कशन करना है तो ठीक है, वी कैन रिमूव दिस आइटम, वी कैन ऐड ए न्यू आइटम, वो सीरियस डिस्कशन हो जाता है। तो दोस्तों ये भारत सरकार की दरिया दिली ही है कि हर साल एक इतना हैंडसम अमाउंट 2-3 हजार करोड़ तो हम अपने पड़ोसियों में ही बांट देते हैं। 2-3 हजार करोड़ को अगर हम मिलियंस में निकालें तो लगभग यही मान के चलिए आप 40-50 मिलियन डॉलर तो हम अपने पड़ोसी देशों को ही दे सकते हैं और भी देते होंगे। ये तो एक एड के रूप में, इसके बाद एड एक्सटेंड भी हो जाता है, हम लोन भी दे देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना देते हैं, ठीक है कोई जाके हम फ्री में काम भी कर देते हैं। तो भारत सरकार के तो अपने पड़ोसियों पर जितने एहसान है साथ पड़ोसी उतना एहसान मानते नहीं। तालिबान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तालिबान तो खैर अफगान गवर्नमेंट जो है वो अच्छा खासा भारत सरकार की इस समय सहायता कर रही है हर मुद्दे में, लेकिन अगर मैं नेपाल की बात करूँ तो नेपाल में इतने रुपये भारत दे रहा है फिर भी नेपाल के लोग और नेपाल की गवर्नमेंट भारत के एंटी है। भारत में काम भी करते हैं नेपाली भाई, अधिकतर लोग भारत से प्यार करते हैं लेकिन कुछ लोग प्रो चाइनीज हो गए, ठीक है। जबकि चाइना जिस तरीके का लोन देता है वो तो मतलब बहुत गुंडागर्दी वाला लोन, आज 100 रुपये दिया कल 200 नहीं दिया तो तुम्हारी ऐसी तैसी। भारत आज 100 रुपये देगा भाई कल नहीं है, कोई नहीं परसों, परसों नहीं है नरसो, भारत लेता ही नहीं है, चलो कोई नहीं भाई हो तुम तो हमारे छोड़ो माफ है, भारत की ये वाली पॉलिसी ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता चाइनीज पॉलिसी ऐसी है। बांग्लादेश को आज हम देखो फिर 120 करोड़ का दे दिया हमने पैकेज, तो कौन सा देश ऐसा है इस खित्ते में जिसको हम नहीं दे रहे, भिखारिस्तान को छोड़ के, भिखारिस्तान को भी देते अगर ये आतंकवाद ना फैलाते। भारत तो अपना हमेशा से खजाना खोले हुए अपने पड़ोसी देश, हम भारत की दोस्तों पता नहीं इतनी महानता देखिए आप, हम अपने पड़ोसी देशों को अपना ही मान के चलते हैं, ये है हमारी पॉलिसी। हमारे लोग सोचते हैं कि यार अखंड भारत था कभी, ये हमारे ही भाई है सारे, लेकिन और देश शायद ये नहीं सोचते। आप लोग सोचते हैं या नहीं सोचते आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, बट मुझे नहीं लगता एटलीस्ट मालदीव और ये क्या नाम अपने बांग्लादेश टाइप के देश हमें अपना सोचते, जरूर कमेंट करें। ओके गाइस, तो यार भारत का मतलब इतना बड़ा दिल, बल्कि बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने जो है यार ये 200-300 करोड़ ये लो तुम रखो, 200 करोड़ तुम रखो, ये लो 150 करोड़ चलो तुम रख लो। बट वहीं पर जब पाकिस्तान देख रहा है यार इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, मैं रह गया हूँ, ठीक है मुझे नहीं मिला और उसको मिलना भी नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के मैं यही सोच रही थी कि अगर इनके ताल्लुकात बेहतर होते तो आज जो है ना भारत ने जो बाकी जहाँ पर 200-150 करोड़ दे, शायद इनको 400 करोड़ भी वो दे देता अगर इनके तलुकात बेहतर होते, हम लोगों के तलुकात इंडिया से बेहतर होते, हम तब ट्रेड ना बंद करते, हम उधर जो है वो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करते उनकी कंट्री के अंदर, तो आज जो है वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते। बिकॉज अभी जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट दिल से ये चीज़ चाह रही है कि इंडिया हमें सपोर्ट करे, इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाए, बट अभी वो जो है उन्होंने अपना हाथ खींचा हुआ, कहते ना हम आप पे जो है वो बिलीव नहीं करते। और एक चीज़ ये कि यार उन्होंने अफगानिस्तान, नेपाल को, बांग्लादेश को और भी कंट्रीज़ को जो है वो पैसे दिए, लेकिन ज़्यादा हाईलाइट जो है वो अफगानिस्तान हो रहा है इस चीज़ के अंदर। बिकॉज अफगानिस्तान के साथ इंडिया के तलुकात इतने अच्छे और बेहतरीन किस्म के चल रहे हैं कि ट्रेड्स हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तालिबान के साथ जिनको हम पाकिस्तानी टेररिस्ट समझते हैं कि ये हैं, ये आतंक हर जगह दंगे फसाद ये करवाते हैं, बट वो नहीं कराते, ठीक है। और इंडिया जो है वो अब उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और सारी चीज़ें जो है बेहतर हो रही है। वहाँ व्लॉगर्स जाते हैं तालिबान के साथ, वीडियोस बनाते हैं, गन्स पकड़ते हैं, बड़ा कुछ यार वो आपस में बड़ी अच्छी भाई भाई की तरह वो रह रहे हैं। और अब अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो हम उस हिसाब से हिंदुओं को जो है और मिनॉरिटीज़ को जो है वो पूरे राइट्स भी उनके दे रहे, बाल अगर दुकान पर काटने को चला जाए तो उसको बाल नहीं काटने दे रहे कि भाई तुम मिनॉरिटी हो, तुम तो हम नहीं तुम्हें करने देंगे। और वहीं पर अफगानिस्तान जो है उसका टोटल मुस्लिम है लेकिन फिर भी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो पूरे इंडिया को ट्रीट करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छे लगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।